आदरणीय आज के महानायक भगत सिंह नेगी जी, मीना राणा जी, अनिल बिष्ट जी, सभी का जो स्वागत है यहाँ पर। और मैं चाहूँगा हमारे ये फोटोग्राफर तो वहीं बीच में ही आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे आपका स्वागत है। तो फोटोग्राफर को मेरे को उतना फ्री में बुला रहेगा, इसके लिए वो संक्षेप में बिंदास वो खेल रहा है। आर्य जी आपका भी स्वागत है, कैलाश आर्य जी आपका भी स्वागत है। इसको फोटोग्राफर को बोलना पड़ेगा भाई। निरंजन नेगी जी, जो ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर उत्तराखंड उत्सव हो रहा है, तो इसके प्रणेता और हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं निरंजन नेगी जी, उन्हीं की वजह से जो है ये हमें जो ग्राउंड मिला हुआ है। तो जोरदार तालियां निरंजन नेगी जी के लिए, उनका स्वागत करेंगे हमारे भगत सिंह मिश्र जी अध्यक्ष। श्री भूपेंद्र सिंह रावत जी, कृपया आप जो है मंच पर आए। निरंजन नेगी जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे भगत सिंह मिश्र जी। श्री माधवानंद भट्ट जी, भवन निर्माता, और आज मुंबई में कोई भी कार्यक्रम जो उनके बिना संपन्न नहीं होता, चाहे वो वसई का बद्रीनाथ मंदिर हो, चाहे कौथिक हो, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड उत्सव भी जो है उनके बिना सहायता के जो संपन्न नहीं हुआ, ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। तो उनका जो स्वागत करेंगे हमारे नेगी जी, राजेश नेगी जी, राजेश नेगी जी उत्तराखंड फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन के जो है अध्यक्ष, युवा फोटोग्राफर, समाज सेवक जो है आपके बीच, और ये जो पूरा प्रयास है ये राजेश नेगी जी का है। जोरदार तालियां राजेश नेगी जी के लिए। ये फोटोग्राफर आपकी तालियों में और खनक पूछने की तो और अच्छा लगेगा, प्लीज जोरदार तालियां प्लीज हमारे गेस्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है पंकज मठपाल जी, आर्थिक विशेषज्ञ, जो बोलते हमारे समाज के एक सितारे हैं और जो चमकते हैं दूसरे जो है नभ में, और आज जो है हमें गर्व है कि पंकज मठपाल जी की वजह से जो हम लोग इस बड़े आयोजन को जो करने में सफल रहे हैं, तो उनका जोरदार स्वागत है। मैं चाहूँगा हमारे राकेश पुंडीर जी, सांस्कृतिक निदेशक, उनका स्वागत करें। पंकज मठपाल जी, जोरदार तालियों स्वागत करिए पंकज मठपाल जी का। फोटो ये उसको बोलना यार, कौन है वो, उसको बोलो ना फोटोग्राफर को। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, आज के महानायक और उत्तराखंड के महानायक कह सकते हैं आपको, मतलब सभी के कम से कम जो है गायन के क्षेत्र में। मेरे को लगता है पहली बार काम किया रहेगा। मैं चाहूंगा कि हमारे उत्तरांचल फ्रेंड्स को बोला उसको, जो महासचिव है मछवाल जी, टाइम लेना श्वेता मछवाल, स्वागत करेंगे महानायक नरेंद्र सिंह नेगी जी का। जोरदार तालियों से आप जो है साक्षी प्रदान करें। मीना राणा जी, एक ऐसा नाम जिन्हें उत्तराखंड की जो है लता मंगेशकर कहा जाता है, तो उनका स्वागत करेंगे हमारे विजय पंतुरी जी। विजय पंतुरी जी स्वागत कर रही है मीना राणा जी का। उर्मी नेगी जी, नायिका सुबर्य का ख्याम, जिसे आपने जो है आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, और एक सफल नायिका निर्माता, उनका स्वागत करेंगे हया सिंह राजपूत जी, हमारे सदस्य हया सिंह राजपूत जी। विनीता नेगी जी, अभी फाउंडेशन जो है उसकी जो अध्यक्ष जो है, और यहाँ की जो एक्टिविटी चलती है मेरे हिसाब से यहाँ पर जो मतलब डॉन बॉस्को स्कूल की जो एक्टिविटी चलती है उसकी भी जो है संचालिका जो है नेगी जी हैं, तो उनका भी स्वागत है। और धर्मानंद रतौड़ी जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उनका जो है स्वागत करें। गगन शर्मा जी, एक ऐसा नाम जो मतलब इस उत्सव के दौरान ही हमसे जुड़ा है और जुड़ने के बाद भी जो काफ़ी घनिष्ठ हो गया है ऐसा नाम, और उनका स्वागत करेंगे हमारे सबसे घनिष्ठ सदस्य
प्रदीप रावत जी, गगन शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं जो है एक तरफ से निपटा लेता हूँ, बाद में जो उस तरफ आऊंगा। अनिल बिष्ट जी एक ऐसा नाम उत्तराखंड के सांस्कृतिक क्षेत्र में जिनका अपना एक जो है सिक्का है, और उनके नित्य निर्देशन में जो है कई गीत जो है फेमस हो चुके हैं। मैं चाहूँगा हमारे रमेश बलोदी जी उनका स्वागत करें। अनिल बिष्ट जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। विजयापन तुरी जी हमारे किसी भी कार्यक्रम में मुंबई में अगर हो तो विजयापन तुरी जी पहुंच जाती है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, तो उनका स्वागत करेंगे श्वेता मासीवाल जी। म्यूजिक वाला गया क्या पीछे? म्यूजिक आई क्या? और अनिल पंत जी ठेठ जो है दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हैं इस कार्यक्रम के लिए, हिमालयन न्यूज के प्रमुख, और उनका स्वागत करेंगे हमारे प्रीतम लिंगवाल जी। प्रीतम लिंगवाल जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं रोलर भारत मंडल के, और स्वागत कर रहे हैं हिमालयन न्यूज के प्रमुख अनिल पंत जी का। भूपेंद्र रावत जी एक युवा समाज सेवक, और उनका स्वागत करेंगे प्रदीप रावत जी। प्रदीप रावत, अगर आपकी तालियां मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज एक बार जोरदार तालियां। इतनी खूबसूरत ऑडियंस हमारे पास है, तालियों में कमी। आर्य जी का कैलाश आर्य जी हमारे जो है पीएमसी में जो है बीट ऑफिसर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है, और जो भी हमारे यहाँ पर उपस्थित है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो जो है वो तो जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए, तो उनका भी स्वागत है यहाँ पर। और उनका स्वागत करेंगे हमारे सुरेंद्र भट्ट जी। सुरेंद्र भट्ट जी उनका स्वागत करेंगे। सुरेंद्र और बहादुर सिंह बिष्ट जी नगर सेवक, लगातार दो बार जो है कॉर्पोरेशन में जो है न्यू मुंबई कॉर्पोरेशन में जो है मतलब जीते हैं, और मोबाइल पे राजीव गुप्ता जी इनका स्वागत करेंगे हमारे दयानंद शर्मा जी। फटाफट निपटारे ले हो गया। कांडपाल जी न्यू इंडिया इंश्योरेंस, उनका स्वागत करेंगे हमारे सही, सभी का संयुक्त स्वागत जो है यहाँ पर, जो संयुक्त रूप से तालियां, जोरदार तालियां। यहाँ पर चंचल चटर्जी, राकेश कुमार जी, सभी की तरफ से जो है एक स्वागत। हमारे यहाँ पर कई गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन हम जो है चाहेंगे कि कल भी जो है यहाँ पर सम्मान समारोह होगा, उसमें जो है सभी सामाजिक संस्थाएं जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए हैं उनका जो सम्मान हम कल करेंगे। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर अमीर रंजन सर प्लीज आगे आ जाइए जी। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सर दो शब्द कह के हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहिए प्लीज। सर का एक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। सर हॉकी प्लेयर एंड साथ ही एक फॉर्मर गोलकीपर रह चुके हैं। चक दे इंडिया मूवी अगर आप सबने देखी हो तो उस मूवी में बहुत बड़ा योगदान सर का रहा, साथ ही सर को हम लोगों ने झलक दिखलाजा में भी देखा है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सर दो शब्द हमारी ऑडियंस के लिए। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज ये डॉन बॉस्को बोरीवली का मैदान जो है ये धन्य हो गया आप सबकी उपस्थिति से, धन्य हो गया हमारे उत्तराखंड के गौरव, हमारे सबके प्रेरणा और उत्तराखंड संगीत के एक
ऐसे इंसान जो जिन्हें हम बेताज बादशाह कहते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी का, उनके एक गाने पे मैंने डांस भी किया और जो हमारे कोरियोग्राफर थे अनिल जी वो आज यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत खुशी हुई और मैं समझता हूँ कि जो पूरी टीम है जिन्होंने बहुत दिल से इस उत्सव को इतना बड़ा रूप दिया है उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं विशेषकर राजेश नेगी को, भगत सिंह जी, बिष्ट जी को, प्रदीप रावत जी को, रमन बुखरेती जी को और यहाँ श्वेता मशीवाल और गगन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय उत्तराखंड। थैंक यू। मैं सर के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगी, सर बहुत ही अच्छे डांसर हैं और अभी हम लोगों ने सुन लिया कि सर बोलते भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी माधवानंद सर को कि प्लीज़ सर मंच पे आ जाइए। सर फिल्म निर्माता हैं और साथ ही भवन निर्माता भी है, सर काम दिलवा दीजिएगा प्लीज़। सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर प्लीज़ दो शब्द हमारी ऑडियंस के लिए। जय बद्री विशाल। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और जनता जनार्दन सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड उत्सव टीम, इन्होंने भव्य आयोजन किया है, सुंदर आयोजन किया है, उसको भी मैं बधाई देता हूँ। काफ़ी सुंदर हमारे नई मुंबई क्षेत्र में भी कौतिक होता है, उसी प्रकार यहाँ पे उत्तराखंड उत्सव हो रहा है। दोनों ही अपने आप में एक बेमिसाल हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मुंबई महानगर में काफ़ी विकास हो रहा है हम उत्तराखंडियों का, इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। आज जगह जगह पर भागवत हो रहे हैं, कौतिक हो रहा है और अभी उत्सव हुआ है, इससे हमें आपस में जुड़ने में, एक दूसरे को मिलने में, पहचानने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी की बात है। आज इस महानगर मुंबई में आज से 12-15 साल पहले हम उत्तराखंडियों को मिलने के लिए शादी ब्याह या रामलीला वगैरह होती थी उसी में हम मिल पाते थे, लेकिन इस समय काफ़ी खुशी की बात है, पश्चिम में उत्तराखंड भवन का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड मैं जनता को देख के थोड़ा हक्का पक्का हो गया हूँ, काफ़ी जनता है। पश्चिम में बद्री विशाल जी के का भवन का निर्माण हो रहा है, बद्री विशाल जी पधारने वाले हैं, सिर्फ कुछ समय की देर है। पूरम में उत्तराखंड भवन का निर्माण हुआ है जो हमारे लिए गौरव की बात है, और मध्य मुंबई में हिमालय प्रतिसंघ के तत्वाधान में स्कूल का निर्माण होने जा रहा है, तो हमारे लिए काफ़ी गर्व है, यह हमारी धरोहर है, तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय महाराष्ट्र। एक शख्स जो रह गए थे और जो रह जाता है वो विशेष होता है, तो उत्तम सिंह भोरियाल जी आप हमारे लिए विशेष हैं, आपका स्वागत विशेष रूप से अंत में हो रहा है, तो जोरदार तालियां। और मैं चाहूँगा हमारे राकेश पुंडीर जी आपका स्वागत करें और आपके स्वागत के साथ ही स्वागत समारोह को जो विराम लग रहा है, तो जोरदार तालियां हमारे भोरियाल जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और अब कार्यक्रम जो जारी रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मीर रंजन सर के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि सर और मैम एक फाउंडेशन रन करते हैं जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, अभी फाउंडेशन, तो ऐसे लोगों की हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है कि हमारा ग्रोथ भी होते रहे। जितनी भी ऑडियंस हमारी जा रही है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ 10 मिनट रुक जाइए क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। लास्ट का हमने 10 मिनट सिर्फ आपके रखा है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डांस कीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी नरेंद्र सिंह नेगी जी, साथ ही मीना राणा जी, पर उनसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी गणेश सर को कि प्लीज वो मंच पे आइए और बताइए। ऑडियंस मंच आइए प्लीज, अरे सुनिए तो प्लीज मंच आइए, जो लोग जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज बैठ जाइए, सिर्फ 10 मिनट और चाहिए आपके कि आप इंजॉय कर सकें। वाइफ प्लीज अपने हस्बैंड को बुलाइए, अजी सुनते हो रुक जाओ,
कुछ गाना बजाना हो रहा है, रुक जाओ, सुनते जाओ, लड़की कुछ बोल रही है, प्लीज ऑडियंस रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए प्लीज। और आप सभी आमंत्रित है कि आप आइए और डांस कीजिए प्लीज, ये ग्राउंड आप ही के लिए है, आप लोग जितना एंजॉय कर सके उतना कीजिए, हम अपने प्रोग्राम में आए हैं। GDM उत्तराखंड ऑर्गेनाइज्ड बाय गढ़वाल भातृमंडल एंड UFO, आप सभी का एक बार और स्वागत करते हैं। गणेश सर को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि सर प्लीज आइए, साथ ही हमारे सारे दान दाताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप सब नहीं होते तो आज हम इस ग्राउंड में खड़े ना होते। गणेश सर लीजिए। धन्यवाद दामिनी, और कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम चरण वचन हो चुका, जो ध्वनि संयोजन थे खुले रखने जो अनुमति चे पूरा देश भर में वही को समय हो तो एक नृत्य सलान और गंगार दी परगना छाए के जमाना आप तो प्रशासनिक व्यवस्था बदल गए थे, प्रस्तुत गंगाड़ी भीना और सलानी शाली की मिट्टी मजाक पर केंद्रित एक लोक नृत्य, गंगाड़ी भीना और सलानी शाली पर केंद्रित ये लोक नृत्य। ना तो ये ना रहे।